नमस्कार सर। नमस्कार सर, आज जैसा कि आपके स्कूल में MH हॉस्पिटल से यहाँ पर सूचना मिली है कि कोई आया, तो आप उसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ जी मैम, जैसे कि आप सब जानते हैं कोविड दोबारा से फैलना शुरू हो गया देश में, और क्योंकि सिम्टम्स वगैरह का सबको नहीं पता होता, तो आज हमने MH कमांडेंट MH अम्बाला से रिक्वेस्ट करके एक वहाँ से मेडिकल स्टाफ, एक लेडी को बुलाया था, लेडी डॉक्टर आए थे MNS, उन्होंने आके हमारे सारे स्टाफ को फर्स्ट एड ट्रेनिंग, क्योंकि हमारा किंडरगार्टन है, किंडरगार्टन में टीचर्स को फर्स्ट एड ट्रेनिंग चाहिए, तो हमने उनसे रिक्वेस्ट करके फर्स्ट एड ट्रेनिंग अपने स्टाफ को और हमने कुछ चुनिंदा पेरेंट्स को भी बुलाया था, ताकि उनको हम बता सकें कि बेसिक फर्स्ट एड कैसे होती है, क्या होता है और कोविड के अंदर क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, क्योंकि अभी स्कूल्स हमने सुना है कि खुल रहे हैं और खुलेंगे, तो हमने उनको ये भी रिक्वेस्ट किया था आके हमारा कोविड रेडीनेस देखें कि जब भी खुलेगा तो हमारे जो प्रिकॉशंस हैं, हमारे जो सैनिटाइजेशन मेथड्स हैं, वो ठीक हैं या नहीं हैं, उनसे हमने गाइडेंस भी लिया इस बारे में। जी तो सर, इसमें जैसा कि कोरोना के चलते अभी एक वैक्सीन, तो उस वैक्सीन क्या आपके यहाँ पे बच्चों को अब तक कितने बच्चों को उपलब्ध हुई है? मैम जहाँ तक मेरी नॉलेज है, वैक्सीन अभी तो सिर्फ कोविड वॉरियर्स को मिल रही है जी। जो सैनिक हैं हमारे और जो डॉक्टर्स थे उन लोगों को मिल रही है जी। जब पब्लिक के लिए इशू होगी तब आई एम श्योर मुझे भी मिलेगी और सबको मिलेगी, जब हमारा नंबर आएगा तभी हमारा नंबर आएगा, तो सर, हम वेट कर रहे हैं कि हमारा नंबर जल्दी से जल्दी आए। तो सर, उसमें उन्होंने बच्चों को क्या आज क्या बताया गया है यहाँ पे, जो आपके स्टाफ में क्या बताया गया है? आज का जो ट्रेनिंग था उसके अंदर उनको जो एक स्कूल के अंदर बच्चे को अगर चोकिंग हो गया, फर्स्ट एड के अंदर अगर चोट लगती है तो बैंडेजेस कैसे करें, ताकि जब तक हमारे डॉक्टर्स यहाँ पे पहुँचे या बच्चे को हम हॉस्पिटल लेकर जाएं तो बच्चे का कम से कम नुकसान हो, यही ठीक है। उसी के बारे में उनको पूरा ट्रेनिंग दिया गया, प्रैक्टिकल्स करा के हमारे स्टाफ को ट्रेनिंग दिया गया।